तो देखा आप लोगों ने, जंगल में कैंप फायर इस तरह बनता है। अरे परजाई जी, डीआईजी साहब को शेरा पे इल्जाम लगाने से पहले सोचना तो चाहिए था कि शेरा पुत्र उनका दामाद है, लेकिन नहीं। एक बात बताइए, ये जीजा जी को करतार सिंह के बारे में किसने बताया? जी मैंने। और आपको ये बात कहाँ से मालूम पड़ी? जोगिंदर का नौकर है, वही काम करता है, वो कभी कभी वहाँ की खबरें यहाँ दे दिया करता है। क्या किया? थैंक यू सो मच राम सिंह जी, लगता है कि अब ये केस सॉल्व हो जाएगा। आप ये कॉफी छोड़कर कहाँ चल दिया अचानक? राम सिंह जी, हमारी आर्मी में कहावत है, जो इंसान इधर की बातें उधर करता है उस इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर जगिया वहां की खबर इधर ला सकता है तो फिर यहां की खबर उधर भी ले जा सकता है। अरे जो इंसान अपने मालिक का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, वो किसी का नहीं होगा। एनी हाउ राम सिंह जी, थैंक यू सो मच। वैसे ये क्या नाम बताया, जगिया, ये मिलेगा कहाँ? वो जोगिंदर के घर ही में रहता है। कभी कभी हवाखोरी के लिए वो शाम को बाहर निकलता है। हवाखोरी के लिए? भीषण है जो खाता लंका की है और काम करता राम के लिए। वो चूहा है, वो चूहा है तू, जो जगह जगह पे छेद करता है। तू है कौन? मैं वो हूँ जो प्लेग फैलाने वाले चूहों को खत्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अरे भाई तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? हाँ गलती हो गई, मुझे जाने दे भाई। तेरी गलती सुधारना है मुझे। तेरी गलती? अरे अरे आमिर घर का गरीब नौकर है, उससे क्या मिलेगा, जाने दे मुझे। जगिया तेरे पास बहुत कुछ है और वही उगलवाने के लिए मैं तेरे पास में आया हूँ। चल गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में, चल बैठ, बैठ गाड़ी में, चल। हिलना नहीं वरना गोली मार दूंगा। काम करते हैं क्या हम सब ना, उस पेड़ पे निशाना लगाते हैं, जिसका निशाना परफेक्ट हुआ वो वॉरियर ऑफ द डे। उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, खाना ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। सारा ज्यादा सियानी तो तू मत ही बन, हमें पता है कि तेरा निशाना बहुत अच्छा है, तू काम से बचना चाहती है ना, है ना? प्रीत वैसे आइडिया उसका बुरा नहीं है, सही कह रही है। हम सारे एक एक करके निशाना लगाते हैं, जिसका भी भाला पहले जाकर पेड़ को टच करेगा वो विनर। क्यों? ओके, लेकिन अगर एक से ज्यादा के निशाने लगे तो सेकंड राउंड जिस जिसका निशाना परफेक्ट लगा उनके बीच में, और फिर नेक्स्ट पेड़ पे क्या कहते हो? गुड आइडिया। मैं फर्स्ट। ओ हेलो, यहाँ सब लेडीज हैं, सो नो लेडीज कोटा। हम टॉस करते हैं, चलेगा ना? लेकिन टॉस कैसे करेंगे, हमारे पास तो कॉइन भी नहीं है। सूर्या, टॉस वैसे भी दो लोगों के बीच में होता है, हम सब इतने सारे लोग हैं तो टॉस तो हो नहीं सकता, और एक कॉइन कैसे डिसाइड करेगा कि कौन पहले निशाना लगाएगा? मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। या
इतनी छोटी लकड़ियों को कुछ नहीं होने वाला है, क्या कर रही है? सी, इसमें एक सबसे छोटी सी लकड़ी है, जो वो लकड़ी निकालेगा वो पहले भरा फेंकेगा, ठीक है? ये लो, उस पेड़ के वहां से शुरू करना, ठीक है? 1, 2, 3 दीप्ति। कोई बात नहीं दीप्ति, पहली बार है ना, होता है, इट्स ओके। दोबारा खाना खा के आ जाना, फिर दोबारा से ट्राई करना। सेकंड। चल चल सारा, सारा लेकर आ। सारा तुझे करके दिखाना है। कौन सारा? पास। सारा, तेरे निशाने को क्या हो गया? हाँ, पूरा हवा का डायरेक्शन कुछ अलग था। हाँ, अब मेरी बारी। साक्षी, तो किसी का भाला पेड़ को टच भी नहीं किया, एटलीस्ट उसका भाला टच तो किया। हाँ हाँ, थैंक यू। अब किसकी बारी है? दिया की। हाँ, मेरी बारी। बस यार, एंड करते हैं। अब जब साक्षी नहीं कर पाया तो और कोई कैसे करेगा? नो मीनाक्षी, गेम है तो सबके हिस्से में आएगा ना। अब दिया का नंबर है तो दिया विल प्ले एंड आई नो शी विल डू इट। हवा के अगेंस्ट थ्रो करना पड़ेगा सीधा, पर भाला तो तीर से भारी होता है, इसीलिए मुझे थोड़ा एंगल बदलना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट दिया। कम ऑन दिया, यू कैन डू इट। यस दिया, यस, करके दिखा दे। कम ऑन दिया, चल 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 चल। You can do it and you did. Yes. अगर नहीं कर पाई तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सूर्या, जाना तेरी बारी है।
अभी दिया सूर्या का मजाक उड़ाकर उसका ध्यान बिगाड़ेगी। सूर्या, हवा के बहाव को समझो और उसी हिसाब से भाला फेंकना। 45 डिग्री लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और 30 डिग्री हवा को कट करने के लिए। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, इसीलिए दोनों के बीच में, तभी निशाना लगेगा। गुड लक। Okay, cadets, it's about time. वैसे आप लोगों के बीच यूनिटी होते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Good job. Thank you, sir. जगिया। ओए जगिए। पुत्र क्यों चिल्ला रहे हैं? जिंदर है, जिंदर है। जगिया का तो कुछ नाम से कुछ पता नहीं किधर है। पुत्र, तुम्हें जगिया कुछ बता के गया? नहीं बाऊजी, लेकिन बाऊजी वो बोल रहे थे कल रात को कि उनको ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है कि सैर करके आता हूँ, लेकिन उसके बाद वो लौटे नहीं। कहीं वो बिना बताए अपने गांव तो नहीं चला गया? बिना बताए? अरे आजकल ना उसका दिमाग सातवें आसमान पे रहता है, किसी की कोई बात नहीं सुनता है वो। कभी भी कुछ काम बोलो तो कहता है शेरा का काम कर रहा हूँ, वीर जी का काम कर रहा हूँ। मैंने तो उससे कोई भी काम कहना बंद ही कर दिया है। सारा दिन नचा नचा के जान ले लेती है बेचारे की, अब कहती है कि कोई भी काम कहना बंद कर दिया। जिंदर पुत्र, जिंदर। क्या बात है भाई, तुम लोग कहाँ चल दिए सवेरे सवेरे? वो बताया था ना अंकल जी, आज हम अमृतसर जा रहे हैं और फिर वहीं से दिल्ली निकल जाएंगे। ऐसे कैसे भाई? ओ पुत्र, यहाँ आए हो, अभी कहीं घूमे भी नहीं तुम लोग तो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो क्या है ना कि बहुत देर हो चुकी है और फिर अगली बार आएंगे ना तो काफी दिनों तक रुकेंगे और फिर शेरा के साथ अच्छे से पंजाब घूमेंगे। और अंकल जी, ये कमल है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरों ने हंगामा कर दिया, तो जाना जरूरी है। ये सच है। मैं कन्या साहब को खबर तो देने जरूर गया था, पर मैं किसी के बोलने पे नहीं गया था। ये बात मैंने तुझसे कब पूछी? आपकी सबकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पंजाब तो भाई वैसे ही मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए, फिर पुत्र इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे पुरखों की परंपरा है। अरे अंकल आप भी कभी आइए, वैसे दिल्ली भी दिलवालों की कही जाती है। कहाँ भाई, सुना तो है। जिस तरह से तुमने हमारे शेरा की मदद की, दिलवाले ही ये काम कर सकते हैं। कभी मौका मिला तो दिल्ली आएंगे। बेबे भी कहती है शीशगंज गुरुद्वारे जाना है,
पर पुत्र रहते कहाँ हो दिल्ली में तुम लोग? जी अंकल, वो अरे बापूजी मालवीय नगर में रहते हैं। अरे भूल गया क्या? मालवीय नगर में। जी अंकल, बस मैं बोलने ही वाला था, तब तक किसी ने बोल दिया। अच्छा, तेरा तुमने जगिया को देखा कहीं? नहीं बापूजी, मैंने तो नहीं देखा उसको। अच्छा अंकल जी, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहां से मेहमान खाली पेट नहीं जाते कभी। नहीं नहीं अंकल जी, वो क्या है ना कि हमें देर हो जाएगी तो ना। इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा। रचना जी, निमृत पुत्र भाई, इनके लिए नाश्ता लगा दो फटाफट। ये तो बता दो, तेरे साहब क्यों मार रहे हो मुझे? जगिया, तू जानना चाहता है ना कि मैं तुझे क्यों मार रहा हूँ? तो चल मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ कि तेरी याददाश्त अच्छी हो जाए। जगिया साहब, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं कभी कुछ नहीं भूलता। सच? हाँ साहब। तो चल बता, करतार सिंह को कैसे जाना? साहब मैं कुछ नहीं जानता करतार सिंह के बारे में, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता करतार सिंह के बारे में। नहीं जानता तू? कुछ नहीं जानता तू? मैं कुछ नहीं जानता। जिंदा गाड़ दूंगा तुझे, यहां याद रखना अगर झूठ बोला तो। बोल। मैंने 15 साल पहले गांव वालों के मुंह से सुना था कि करतार सिंह इस घटने का चश्मदीद गवाह था। जगह तो ऐसे नहीं बताएगा। आर्मी वाले जब टॉर्चर करते हैं ना तो मुर्दे भी सच बोलते हैं। शुक्र मना कि तू एक जिंदा इंसान है। एक सवाल जगिया तुझसे पूछ रहा हूं, सच सच बता दे, करतार सिंह को तू कैसे जानता है? नहीं साहब। नहीं साहब, 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 नहीं जानता। साहब, ये सच है, मैं कन्या साहब को खबर तो देने जरूर गया था, पर मैं किसी के बोलने पे नहीं गया था। ये बात मैंने तुझसे कब पूछी? निमृत, अचार लिया तो? नाश्ता कम, ऊपर जाने का रास्ता ज्यादा लग रहा है, इस नाश्ते के चक्कर में देर हो रही है। पर एक बार टारगेट हाथ से गया ना, चीफ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कराते रहना नाश्ता, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, निकलते हैं ना। तो इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो भाई? आराम से खाओ पुत्र, जल्दी जल्दी खाने से अन्न का अपमान होता है। जी अंकल जी, आज शाम तक अमृतसर भी निकलना है और वहां से दिल्ली भी जाना है। अरे ये कमल है ना, इसकी साइड पे मजदूरों ने हंगामा कर रखा है, तो कहना जरूरी ना अंकल जी।
इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं। पर पुत्र दिल्ली तो काली मिलोगे ना? जी वो अंकल जी, जब आज निकलेंगे ना तो कल टाइम से पहुंचेंगे। हाँ। नहीं खा लो, जल्दी खा लो। अच्छा पुत्र ख्याल रखें। पुत्र ये गड्डी इनकी खुद की है? हाँ बापूजी खुद की है। तूने तो बताया था तेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं, पर ये गड्डी की नेम प्लेट हिमाचल प्रदेश की कैसे? बापूजी ये कमल जो है ना, इसके मामा जी हिमाचल प्रदेश रहते हैं, वहीं से गड्डी खरीदी थी इसीलिए वहीं का है। जंगल में हमारे कैडेट्स की ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी? आई होप हमारे कैडेट्स बहुत अच्छा कोप कर पा रहे हो। आफ्टर ऑल ये उनकी फर्स्ट सर्वाइवल ट्रेनिंग है। सिर्फ होप नहीं कैप्टन अंबिका, आई एम श्योर कि हमारे कैडेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। वेल, अपने कैडेट्स पर आपको इतना भरोसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी कोई गुटबाजी कर रहे हैं वो लोग? मुझे अपने कैडेट्स पे यकीन नहीं, लेकिन अर्जुन पे पूरा भरोसा है, वो उन कैडेट्स को इंप्रूव करके यहाँ वापस लौटेगा। और ऐसा ही होना भी चाहिए सर, आफ्टर ऑल हम सब यहाँ पर कंट्री के लिए फाइट करने वाले हैं, ना कि पर्सनल मैटर्स के लिए। वेल, ये बात हमारे कैडेट्स के समझ में आए तब। आज आप लोगों की एकता देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं, और इसी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए हम एक और ड्रिल करेंगे। बैठ,